आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 25 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय कराया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने आज 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 18 मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। मंत्री के रूप में श्री कुंवर विजय शाह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री राकेश सिंह, श्री करण सिंह वर्मा, श्री उदय प्रताप सिंह, श्रीमती संपत्तिया हुईके, श्री तुलसीराम सिलावट, श्री एदल सिंह कंशाना, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्री विश्वास सारंग, श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्री नागर सिंह चौहान, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, श्री राकेश शुक्ला, श्री चौतन्य काश्यप भैयाजीश और श्री इंदर सिंह परमार ने शपथ ली। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेकवाल, श्री लखन पटेल और श्री नारायण सिंह पंवार ने शपथ ली। वहीं राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप और श्रीमती राधा सिंह शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली सहभागिता में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर इंदौर में हुए मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर श्रमिकों को हितलाभ वितरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का अभिवादन किया तथा हुकुमचंद मिल के मजदूरों को वितरित होने वाले हितलाभ का चेक श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों और लिक्विडेटर को सौंपा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्रीन बॉन्ड से अर्जित धनराशि से बनने वाले 60 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने लगभग 429 करोड़ के जन कल्याणकारी विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया तथा 175 दिव्यांगजनों को रेट्रोफिटेड स्कूटी वितरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल गठन के बाद सभी मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मंत्रिमंडल में सभी जिलों, क्षेत्रों, अंचलों और पूरे मध्य प्रदेश का समावेश करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने नव नियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में सभी मंत्री अच्छा परिणाम देंगे जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहतर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। विकास के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद श्री जे पी नड्डा, सांसद श्री बी डी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी वरिष्ठ नेताओं के समन्वय से प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 25 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक चैतन्य कश्यप को मंत्री बनाया गया है। सोमवार को उन्होंने शपथ ली। कश्यप लगातार तीसरी बार रतलाम विधानसभा सीट से विधायक हैं। चैतन्य कश्यप मध्य प्रदेश के टॉप 10 रईस विधायकों में पहले नंबर पर हैं। वे 294 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। प्रदेश के सबसे अमीर बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप 16वीं विधानसभा में रतलाम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। कश्यप ने वेतन भत्ता नहीं लेने का ऐलान किया है। चैतन्य ने विधानसभा की कार्यवाही के शुरू होने के पहले सदन को इसकी सूचना भी दे दी थी। अब चैतन्य कश्यप को मोहन सरकार में मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के पहले प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे नतमस्तक होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भोपाल के राजा भोज विमानतल पर हुए इस घटनाक्रम की तस्वीरें पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तोमर को केंद्रीय मंत्री सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। दरअसल सोमवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। राजभवन में होने वाले इस समारोह में शामिल होने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नई दिल्ली से भोपाल आए थे। कार्यक्रम के कुछ देर पहले राजा भोज एयरपोर्ट पर सिंधिया को लेने उनके तमाम समर्थक विधायक पहुंचे थे। इसी दौरान गुलदस्ता भेंट करने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घुटने टेकते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पैरों में अपना सिर रख दिया। यह देख सिंधिया ने तुरंत तोमर को अपने हाथों से उठाया और गले लगाया, साथ ही फिर से मंत्री बनने की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। ईसाई धर्म मानने वाले ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाते हैं।
इस अवसर पर प्रदेश में भी क्रिसमस पर गिरजाघरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्रिसमस पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री, कागज से बने रोशन स्टार, फूलों की माला से सजाते हैं और आपस में उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रदेश के जबलपुर, नर्मदापुरम, धार, शिवपुरी, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिलों में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 25 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी की 99वीं जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री वाजपेयी का जन्म आज ही के दिन 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय बॉडी बिल्डर एवं मेंस फिजिक चैंपियन विजय श्री ट्रॉफी का आयोजन कल स्थानीय दशहरा मैदान में किया जाएगा। टीकमगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के मुख्य अतिथि में सुशासन दिवस मनाया गया। छिंदवाड़ा के राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी ने पीजी कॉलेज को भूगोल और राजनीति शास्त्र में पीएचडी के लिए स्टडी सेंटर बनाया है। इन दोनों विषयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आवेदन 27 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं। सतना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मझगवा विकासखंड के पडरी और नहर के बेरमा तथा कनवारा गांव के किसानों के समक्ष फसल में ड्रोन से तरल उर्वरक के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। खरगोन जिले के मेनगांव थाने के खंडवा रोड पर गुबाड़ी के पास एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 25 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 26 दिसंबर 2023 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिंटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।